हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, कि हाउ टू अप्लाई फॉर डीएलएड। डीएलएड के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि डीएलएड का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। यह एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सर्टिफिकेट होता है, जो कि लगभग 2 साल का कोर्स होता है, जिसे आप करने के बाद कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको होगा ही। अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अप्लाई हो रहा है और आप लगभग 1 सितंबर तक इसे अप्लाई कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ से एडमिशन वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ से एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई इन एडमिशन फॉर डीएलएड कोर्स सेशन 2021 से 23। यानी कि सेशन 2021 से 23 के लिए अप्लाई हो रहा है और मैं आपको ये बता रहा हूँ पटना विक्रम के लिए, जो कि मैं डाइट पटना विक्रम के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ से आप इसके बारे में और भी सारी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से नामांकन सूची का लिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फर्स्ट पेज खुलेगा, जहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। मैं आपको भी रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आप इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भर पा रहे हैं शेयर जरूर करें। तो यहाँ से आगे का प्रोसेस में हम लोग चलते हैं और आप देख पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। चलिए मैं अपना नाम ही एंट्री कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी बना लेना होगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेने के बाद में यहाँ से नीचे जब हम लोग आएंगे तो मोबाइल नंबर फीड करेंगे। अभी फ़िलहाल ईमेल आईडी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अब हमारा मोबाइल नंबर मैं अपना डाल लेता हूँ। इसी ईमेल आईडी से आप लोग चाहे तो हमें मेल करके कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। वैसे भी ईमेल आईडी आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। अब यहाँ से अपना जो आधार नंबर है आप वो डाल सकते हैं। आधार नंबर और ये सारे चीज़ें आप पास में लेके बैठे, जिससे कि आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाए। खास करके सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, उस वक्त आपको सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो सेशन खुद पे खुद लॉग आउट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी यहाँ पर आधार नंबर डाल लेने के बाद में यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और देखते हैं कि आगे का प्रोसेस हमारा क्या होता है। चलिए अभी यहाँ से मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। अब यहाँ से रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। आई होप मैंने सही डाला होगा कैप्चा। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अभी एक मैसेज फ्लैश हुआ कि सक्सेस करके, और आपको यहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड दिया गया। ये आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा ताकि इन फ्यूचर में जब भी आप लॉग इन करें ये आईडी से लॉग इन करें। और पासवर्ड इसलिए कि जब भी आप पहली बार लॉग इन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां से आपको पासवर्ड को अपना चेंज करना होगा। तो चलिए अभी मैं करता हूँ कि आईडी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी कर लेने के बाद में जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आईडी डाल करके और जो पासवर्ड मुझे मिला था वो पासवर्ड मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँगा और यहाँ से कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करूँगा। चलिए हमारा जो पासवर्ड है उसे मैं अभी फीड कर लेता हूँ। हमारा जो पासवर्ड है आप देख पा रहे होंगे कि जो भी है 5 डिजिट का है, मैं डाल लेता हूँ। आपको भी ये पासवर्ड डाल के फर्स्ट टाइम लॉगिन करना होगा। उसके बाद में फिर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से कैप्चा डालते हैं, ये कैप्चा 4538। अब यहाँ से हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करा ये सक्सेस का मैसेज फिर से फ्लैश हुआ। अब ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक वार्निंग दिख रहा है कि प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। यहाँ से ओके करा और यहाँ से अब ओल्ड पासवर्ड जो मैंने डाला था अभी अभी लॉगिन करने वक्त जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था वो वाला पासवर्ड यहाँ से आप इंट्री करेंगे। चलिए यहाँ से मैं वो वाला पासवर्ड इंट्री कर लेता हूँ। अब यहाँ से
अपना खुद का नया पासवर्ड आपको बनाना होगा, क्योंकि अब जब आप लॉग इन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो इसी नए पासवर्ड से लॉग इन करेंगे आप। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे देखिएगा कि आपको फिर से यह स्क्रीन लॉग आउट हो जाएगा और आपको फिर से लॉग इन का ऑप्शन देगा। जैसे ही चेंज पे क्लिक करा देखिए सक्सेस आया, जैसे ही अब मैंने ओके करा तो अब आप देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से लॉग इन का फिर से विंडो आ चुका है। अभी हम लोग लॉग इन कर लेंगे जो पासवर्ड अभी मैंने नया बनाया उस पासवर्ड से। तो चलिए अभी उस पासवर्ड से हम लोग यूज करते हुए लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ से कैप्चा डाल देते हैं। अगर आपको कैप्चा पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं ताकि दूसरा कैप्चा आ जाए। आई होप मैं सही डाल रहा हूँ और लॉग इन करता हूँ तो हाँ मेरा कैप्चा बिल्कुल सही था, अब ये लॉग इन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपको सबसे पहला ये पेज मिलेगा और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेप वन बेसिक डिटेल्स का टैब मिलेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आर्ट्स और साइंस, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ईमेल आईडी जो आपने डाला था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपको बाय डिफॉल्ट शो होगा। मैंने ये हटा दिया क्योंकि किसी के डेटा पर्सनल मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है और यहाँ से ये हमारा आधार नंबर है। उसके बाद यहाँ से फुल नेम जो आपका होगा एंट्री करेंगे, फादर नेम एंट्री करेंगे, मदर नेम एंट्री करेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिजेबिलिटी अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ से उसका टाइप ऑफ डिजेबिलिटी और परसेंटेज भी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से बाय डिफॉल्ट आप बिहार का रेसिडेंट है, इसमें यस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो टैब है, एक परमानेंट एड्रेस का और एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का। तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, परमानेंट एड्रेस में आपका जो हमेशा परमानेंट घर है वो एड्रेस डाल दे आप, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप मेलिंग एड्रेस डाल दे जिससे आपको कोई किसी भी लेटर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा, आप वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना है। उसी प्रकार से कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना है। यदि आपका ये वाला दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पर टिक मार्क कर देंगे कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल सेम एज परमानेंट एड्रेस, ये डाल टिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका नेक स्क्रीन अपियर हो जाएगा, यानी कि अब दूसरा जो हमारा टैब ओपन होगा वो होगा एजुकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पीजी जो भी आपने कर रखा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको डिटेल्स मैट्रिकुलेशन का डालना होगा कि आपका बोर्ड कौन सा है, स्कूल कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है और मार्क्स बेस्ट है, टोटल मार्क्स कितने का था, मार्क्स आपने ऑप्टेंट कितना करा। अगर मान ली ये आपका 500 मार्क्स का है और आपने 300 मार्क्स ऑप्टेंट करे हैं तो यहाँ पर 500/300 जैसे ही लिखेंगे यहाँ 60% ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप रोल कोड डालेंगे। उसके बाद जस्ट जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ से रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे इंटरमीडिएट का डिटेल्स को आप डालेंगे, यहाँ पर बोर्ड आपका क्या होगा, स्कूल किस साल आपने पास करा, आपका मार्क्स बेस है या और कुछ, और उसके बाद टोटल नंबर कितने का था, कितना आपने ऑप्टेंट करा, परसेंटेज क्या है, रोल कोड क्या है। और आगे जब आप करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे रोल नंबर क्या है और स्ट्रीम किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया है, आर्ट साइंस कॉमर्स, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इतना फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोटो अपलोड होगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर का सिंबल है जहाँ आप सिग्नेचर का आपका अपलोड होगा। आपका सिग्नेचर और फोटो जेपीईजी में दोनों होगा ये आप देख सकते हैं, और फोटो जो है 20 से 100 केबी के बीच में और सिग्नेचर 10 से 100 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होने वाला है। यहाँ से आप सिग्नेचर को फोटो को चूज फाइल करके अपलोड कर लेंगे और यहाँ सिग्नेचर को चूज फाइल करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट विंडो
ओपन होगा। अब जो हमारा अगला टैब है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। इसमें आप क्या करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। पहला होगा कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्क्स और सर्टिफिकेट, और इंटर का मार्क्स और सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मैंने जब वहां से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट सेलेक्ट करा था तो हमारा इंटरमीडिएट तक का ही टैब है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको एक टैब और मिलेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करने का, आप वो भी अपलोड करेंगे। यहाँ से सबको बारी बारी से चूज फाइल करके ओपन करने के बाद यहाँ से अपलोड पर क्लिक करते जाएंगे। जब हमारा ये चारों अपलोड हो जाएगा तब जा करके हम लोग यहाँ से अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ये पेमेंट वाला स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से आपका सेशन दिखता रहेगा और कितना आपका फी है वो दिखेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे SBI का, और वहां पर आप पेमेंट का मेथड सेलेक्ट कर लेंगे, आइदर क्रेडिट डेबिट व्हाटएवर जो भी आपके पास है सेलेक्ट करने के बाद, या फिर UPI पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से हाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पेमेंट कर देंगे, यहाँ पर लिखा है कि आपने SBI कलेक्ट पेपर जाकर पेमेंट जमा कर दिया है, तो आप जैसे ही हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और नीचे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिटेल्स खुलेगा। उसमें आपको करना क्या होगा, पेमेंट करते वक्त आपको एक रेफरेंस या DU नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ एंट्री करेंगे, वहां से पेमेंट का डेट डालेंगे जिस दिन आपने पेमेंट करा है। उसके बाद आप यहाँ से सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह का फिर फाइनल विंडो ओपन होगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से सारा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करा यहाँ पर इस तरह से दिखता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान देना है कि चेक पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से भी इसको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो अगला स्क्रीन आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट की जगह पर आपका प्रिंट का दिखेगा। चलिए फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करा मैंने, देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से प्रिंट। अब आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आई होप आज का सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले, और अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी कुछ ज़्यादा जानकारी ज़्यादा बातें करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ।